नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम देखिए पंसुही गांव है, ये सीही पंचायत में पड़ता है, पटना जिला में ना, पटना जिला में पड़ता है। यहाँ पे एक ऐसा घटना घटा है जिससे आत्मा हमारा भी तो दहल गया, आप भी सुनिएगा तो दहल जाएगा। और यहाँ पे एक पति पत्नी थोड़ा सा लड़ाई के कारण, पति पहले इस कुआं में दिखाइए, थोड़ा सा कुआं दिखाइए, ये देखिए कुआं देख रहे हैं। इसी कुआं में पत्नी कूद गई कल शाम को, और उसको बचाने के चक्कर में पति भी इसमें कूद गए। और कूदने के बाद क्या हुआ ये गांव वाले से ही जानते हैं। इधर आइए थोड़ा सा, आप लोग इधर बताइए कि यहाँ पे भाई साहब इनका जो डेट हुआ, क्या नाम था उनका? नाम अनिल कुमार था। आप पत्नी का नाम? पत्नी का नाम नहीं जानते। अच्छा, तो क्या हुआ था? क्या हुआ था कि अचानक ही हम दुकान से आए तो यहाँ पर मालूम चला कि कुछ शोर हुआ, तो मालूम चला कि पत्नी पहले से इसमें गिर चुका है। उसके बचाने के कारण मर्दाना कूद गया। वो सोचा या समझा नहीं कुछ कि हमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आदमी के जुटने के बावजूद भी वो दोनों सक्षम नहीं हो पाया, उसी में मतलब मुर्दा ही निकला। आप लोग थे कहाँ? हम लोग तो मतलब यहीं पे सब आसपास में थे। आप लोग कोशिश किए? बहुत कोशिश किए, सारी मतलब पूरा जितना गांव का आदमी था सब लोग कोशिश किया, लेकिन कोशिश के कारण बच नहीं पाया। इसमें बहुत सारा गंदगी मतलब लगा हुआ है, और अंदर जो है कि मतलब बड़ी सा कचरा इसमें फंसा हुआ था, कचरे में वो दोनों जा करके फंस गया। उसके बाद हम लोग झग्गर से लगा करके रस्सी से हम लोग निकाले हैं। और दोनों पति पत्नी के साथ एक साथ मौत हो जाती है? एक साथ हुआ है, ऐसा आज तक हम लोग कभी नहीं देखे हैं, नहीं कभी सुने हैं। कुआं में और भी कहीं मौत हुआ था? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ था। चर्च कर देने वाली घटना है जो कभी आपने नहीं सुना होगा। आप पति पत्नी में मैंने जो पति पत्नी के क्या कुछ लड़ाई हुआ था ना, ऐसे तनी मनी बकवास बोले है। वो झकानी अथी करके अलग है, बकवास मुहा ठेठी कैलक है, एक था बुझा मार दिलक आके कूद गेलो। ओकरा बाद में सोचलक कि हम निकाल बहु घो कूदल से फिर निकलबे न कर। बचाने के चक्कर में वो कूद गए, और कूदने के बाद फिर वो भी नहीं निकले, न वही निकले, दोनों में कोई ना निकले। फिर गांव के आदमी लोग जुटलन, झगड़ा डालन, यानी दोनों कुआं में जाते हैं, दोनों एक ही साथ दोनों एक के जग से निकल मौत हो जाती है। हाँ। उनका बच्चा तो दो बच्चा, लड़का है एक लड़की है। बच्चा का कितना साल का बच्चा है? अभी एक 5-6 महीना का है, एक 2-3 साल का है, एक 4 साल का है। मतलब 4 साल के अंदर ही में तीनों लड़कन है। सोचिए कि अभी तीन बच्चे हैं। का पंसुई गांव है, देखिए यहाँ पति पत्नी को एक साथ मौत हो जाती है। ये कुआं में गिर गए, और बच्चा का गुजरने के बाद बताइए कि इसमें तीन बच्चा देख सकते हैं, ये आत्मा दहलाने वाली ये खबर है। ये कुआं देखिए, ये कुआं भरते क्यों नहीं? आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग तो हित हैं। यहाँ पे भाई साहब आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं वीडियो में देखिए ये कुआं भरते नहीं आप लोग? ये बहुत पुराना कुआं है, सब कोई आदमी मिलेगा तब तो भराएगा। अच्छा। अकेला रोड पे कुआं है फ्रंट पे, इसको गांव वाले की सहमति से भरना चाहिए। काहे कि इस पे आप काम नहीं ले रहे हैं? काम नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ के मुखिया जो है कि मुखिया ध्यान देगा तब तो, कहीं घेरता है कहीं नहीं घेरता है। मुखिया जी क्या एक्शन लिए थे इस पर? इस पे मुखिया जी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिए हैं, लेकिन यहाँ गांव में आओ कुआं घेराया है। और होने के बाद मुखिया जी क्या बोले? डेट होने के बाद मुखिया जी क्या बोले ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या मुआवजा बोले, के लिए देने के लिए बोले मुआवजा के लिए? वो तो मतलब बोल रहे थे कि एक आदमी के मिलेगा, एक आदमी की नहीं, दो आदमी को मौत हुआ मतलब तो दो आदमी के मिलेगा मुआवजा? मिलेगा। मुखिया जी देखिए कि मुखिया जी का सोच देखिए कि मरता है दो आदमी, या मुखिया जी खुद कहते हैं कि एक आदमी के मुआवजा मिलेगा, उनके 3 मासूम बच्चे हैं। सोचिए, आइए उनके थोड़ा सा परिवार से हम मिलते हैं, इधर से आइए। उनकर मम्मी नहीं है? मम्मी है वो, देखिए ये क्या हम बोलने लायक तो घटना है नहीं, अब देख सकते हैं। कोई बात नहीं, देखिए तुम्हें बेटा बारे
हमने ही ना, हमने हमने ही ना बेटा, हमने ही ना मुआवजा मिलेगा। हम लोग बेटा है पूजा करने चल गए, बस पूजा करने चल गए। अली कोई ना घरे, अली कोई ना घरे, ना तेज पहले हल्थ ना। हम लोग बेटा है, हम लोग बेटा है, हम लोग बेटा है। चुप रहिए, चुप रहिए, हमने ही ना बेटा। देख सकते हैं ये थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल नहीं होने के कारण, हमने बेटा ही ना, कोई दिक्कत नहीं। और चुप रहिए, चुप रहिए, लड़ाई कर दिए थे क्या कर दिए? नहीं चलता भगवान के ही मर्जी था, क्या कीजिएगा। हम लोग आपके बेटे हैं, देखिए इनकी माँ है। और यहाँ पे हम क्या पूछे क्या बोले कोई समझ में नहीं आ रहा। एक साथ जब एक घर में दो का मौत जब होता है तो आप क्या बोलिएगा। यहाँ पे आप कौन है? बहन है। उनका बच्चा किधर है? इधर दिखाइए थोड़ा सा। देखिए उनका बच्चा, ये देखिए मासूम बच्चा है, देख सकते हैं। ये भी बच्चा है, एक ये बच्चा है, वो साथ में गया है। एक बच्चा 6 महीना का, दोनों पति पत्नी के एक साथ मौत हो जाता है। अब इधर चलिए बाहर थोड़ा सा आइए। सरकार से ही हम अपील करते हैं कि अब तो ये जान तो लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन ये इससे आपको ये सीख मिलता है कि आप कभी भी पति पत्नी में लड़ाई कीजिए तो क्रोध में नहीं, क्रोध में कोई भी फैसला लेने से ही होता है। थोड़ा सा क्रोध को आप कंट्रोल कर जाते तो ये मौत दोनों एक साथ नहीं होता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि इनके ऊपर सरकार क्या प्रतिक्रिया करती है, क्या एक्शन लेती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मौत को तो आप